अस्सलाम वालेकुम। तो आईफोन 13 के लॉन्च होने में सिर्फ 5 दिन रह गए और हमें नॉर्मली उसकी प्राइसेस भी कंफर्म हो चुकी है। टेक रेडार, 9to5 मैक और टॉम्स गैट जैसी टॉप रेटेड वेबसाइट में इनकी प्राइसेस लीक हो चुकी हैं और पॉसिबली आपको आईफोन 13 की सीरीज़ में यही प्राइसेस मिलने वाली है। और आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि आईफोन 13 के रिलीज़ होने के बाद पाकिस्तान में उसकी क्या प्राइसेस बनेगी और आपको इनिशियल रेट क्या मिलने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसके प्राइसेस स्टेबल होती जाएगी और वो मार्केट में एक नॉर्मल प्राइस टैग में बिक रहा होगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देता चलूँ कि TSMC जो एप्पल की चिप प्रोवाइडर कंपनी है, उसने रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि उसने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दिए, जो कि एप्पल के आईफोन 13 की सीरीज़ में पॉसिबली इफेक्ट करने वाली थी। लेकिन अब न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि वो जो कॉस्ट है वो इस साल एप्पल इंक्लूड नहीं करने वाला, वो आईफोन 14 की सीरीज में आपको कॉस्ट हायर मिल सकती हैं। लेकिन अभी तक आईफोन 13 की सीरीज में कोई इतना ज्यादा मसला नहीं हो रहा कॉस्ट का। और अगर मैं आपको इसकी प्राइसेस के हवाले से बताऊं तो आप स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे होंगे, आईफोन 13 की सीरीज में ये पॉसिबली ये प्राइसेस आने वाली है। और रूमर्स ये भी निकल कर आ रहे हैं कि 14 सितंबर यानी कि आईफोन के लॉन्च इवेंट में आईफोन 12 की प्राइसेस कम होने वाली है और उन प्राइसेस की जगह आईफोन 13 को लॉन्च किया जाएगा। तो अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान में इन डॉलर्स को कन्वर्ट करने के बाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीटीए वगैरह का टैक्स डालने के बाद या फिर स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पर आईफोन की क्या प्राइसेस आपको मिलेंगी और क्या आपको जल्दी बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए और मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डॉलर का कन्वर्जन करते हैं। आईफोन 12 प्रो मैक्स 128 GB यहाँ पर 1100 ऑलमोस्ट डॉलर का है। तो अगर हम लोग इसे पाकिस्तानी प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 1,84,840 रुपीज़। और आपको ये डायरेक्टली कन्वर्जन करने के बाद मिलते हैं डॉलर टू करेंसी में। तो 14 सितंबर को आईफोन 13 लॉन्च होने वाले और 24 सितंबर तक वो शिपिंग स्टार्ट करेंगे। तो पाकिस्तान में तकरीबन 28, 29 या 30 सितंबर तक आपको इनिशियल आईफोन देखने को मिलेंगे। और इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है जानने की कि आईफोन 13 जो स्टार्टिंग में प्राइस लेकर आएगा, तो बिल्कुल स्टार्ट में आईफोन 13 प्रो मैक्स 128 GB की पाकिस्तानी प्राइस नॉन पीटी आपको 2,25,000 से 2,30,000 रुपये देखने को मिल सकती है। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा बहुत हजम करने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। स्टार्ट में जब मैंने आईफोन 12 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग की थी और वो नॉन पीटी था और वो उस वक्त मुझे 2,20,000 रुपये का पड़ा था। और अगर आप आज की बात करते हैं नॉन पीटीए 12 प्रो मैक्स की 128 GB की, तो आपको पड़ता है 190,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हैं और ये प्राइस डिफरेंस अभी नहीं आया है, ये स्टार्ट में 1.5 से 2 महीने अगर आप वेट कर जाएं तो आपको ये वाली प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा रश होता है, दुनिया भर में सप्लाई होती है एप्पल की, एक तो बहुत ज़्यादा हाइप है, ऊपर से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लोग ब्लैक में भी बेच रहे होते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि आईफोन को आप अपग्रेड करना यानी कि चेंज करना, एक नए मॉडल पे जाना, एक फेस्टिवल जैसी चीज हो चुकी है जो कि हर लॉन्च इवेंट पे हर एक बंदे को करनी होती है। तो इस वजह से उसकी हाइप बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती जितनी ज़्यादा हाइप होती है, और फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्टेज आ जाती है। और यहाँ पर पाकिस्तानी जैसे ममालिक में जहाँ पर एप्पल ऑफिशियल नहीं है, ऑथराइज सेलर ज़रूर हैं लेकिन ऑफिशियल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है और आपको यहाँ पर प्राइसेस हाई देखने को मिलते हैं। और अगर आप उस आईफोन को पीटीए अप्रूव कराते हैं तो तकरीबन जो पीटीए टैक्स अब चल रहा है वो 45,000 के करीब है। पीटीए अपनी मेहरबानी कर रही है और डॉलर के प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं और अब थोड़े बहुत स्टेबल हुए हैं। और अगर हम लोग करंट मार्केट के हिसाब से आईफोन का अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर आपको 2,75,000 रुपये का आईफोन 13 प्रो मैक्स 128 GB मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं जो कि आपको स्टार्ट में देखने को मिलेगी। और मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टार्टिंग में फ़ोन बाय करें। मैं आपको पिछले साल भी रोक रहा था, इस साल भी रोकूंगा कि स्टार्ट में बिल्कुल आपने पैसे नहीं डालने आईफोन 13 प्रो मैक्स की सीरीज़ में या आईफोन 13 की सीरीज़ में। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप डाल सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत अपने पैसे सेव करना चाहते हैं और एक इंटेलिजेंट स्पेंड करना चाहते हैं जो कि आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं बाय करना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा वीडियोस के थ्रू, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे प्राइवेटली पूछ भी सकते हैं। और तब तक तो मेरी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी और उसमें डेली बेसिस पे प्राइसेस अपडेट हो रही होंगी, तो आप वहां पर भी चेक कर पाएंगे। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि मुझसे अभी से पूछने लग गए हैं कि मैं अपना 12 प्रो मैक्स बेच दूं क्योंकि 13 प्रो मैक्स बाय करना है, बाद में उसकी रिसेल वैल्यू ना गिर जाए। तो यार आप बेच दें, बेशक बेच दें, लेकिन आपने स्टार्ट में बाय नहीं करना। और उम्मीद है उन्हें भी अपना आंसर मिल गया होगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपने कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।